धर्मों को एक साथ जोड़ने वाले महान सूफी संत कबीर दास की धरती संत कबीर नगर पर जन जागरण अभियान के माध्यम से CAA के समर्थनों में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर लोगों को यह संदेश दिया कि नागरिकता संशोधन बिल जो लाया गया है उससे किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। इस दौरान भाजपा विधायक राकेश सिंह बघेल ने सपा, कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों समेत OBC पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह लोग मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क में तरह तरह की अफवाह फैला कर खासकर मुसलमानों को वरगला करके दंगा फसाद कराया जा रहा है। इसकी असलियत बताने के लिए कि सच्चाई क्या है, आप किसी के बहकावे में ना आएं, क्योंकि जब से हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं और मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के महाराज योगी जी हैं, जब से हमारे कौम का ज़्यादा विकास हुआ है, खासकर मुसलमानों का, जिसमें सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं लाई जिसमें किसी का नुकसान हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। देखिए, ये जो रैली लोग निकाल रहे हैं ये CAA के समर्थन में है। CAA भारत के हित में है, इस राष्ट्र के हित में है, कहीं से किसी का नुकसान नहीं है। ये बिल जो पास हुआ है ये नागरिकता देने के लिए पास हुआ है, ना कि नागरिकता लेने के लिए। तो फिर यहाँ पे जो सपा, कांग्रेस या न विपक्षी दल के लोग हैं या जैसे OBC जैसे लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं कि आपको नागरिकता अपनी साबित करने के लिए तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देना है। मैं दावे के साथ कहता हूँ यहाँ के रहने वाले सभी लोगों से कि कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगना है। जो लोग यहाँ के भारत के हैं वो भारत के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे भारत से जब पहले भारत एक था, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सारे लोग थे, इसमें तीनों देश थे, इन तीनों देशों के लोगों के धर्म के आधार पर जो उत्पीड़न हुआ, जो बहु बेटियों की इज्जत वहाँ पे दांव पे लगी, लोग वहाँ से भागने को मजबूर हुए, ऐसे तमाम लोग भारत की सीमा पे शरण लिए हुए हैं, चूँकि अपने भाई रहे हैं, ये देश एक पहले एक था। इस नाते यहाँ के तीन जो देशों के शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने के लिए ये सरकार बिल लाई थी, उनको नागरिकता हम लोग देंगे। आखिर में नरकी जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं, न यहाँ के रह गए हैं, न अफगानिस्तान या बांग्लादेश पाकिस्तान के रह गए हैं, भारत पे शरण लिए हुए हैं, तो उनको नागरिकता देने के लिए बिल लाया गया था। ये स्वागत योग्य है। इसके लिए हम अमित शाह जी को, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बहुत बधाई भी देते हैं कि ऐसा बिल लाए जिसमें कमज़ोर तबके के लोग जो उपेक्षित हैं उनको यहाँ पे शरण मिल सके, यहाँ पे नागरिकता मिल सके, उनका जीवन स्तर मुख्य ऊँचा उठ सके और उनको राष्ट्र के मुख्य धारा में लाया जा सके। इस नाते नागरिकता बिल आई, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है।